बात करें, आज आपकी फिल्म धिया का प्रीव्यू रखा गया, क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक छोटा सा प्रीव्यू रखा गया है फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स बेसिकली. फिल्म बहुत ही अजीज़ है मेरे लिए, और इस कारण अजीज़ है क्योंकि एक ऐसी लड़की की जर्नी है जिसे पहले तो चार दीवारियों में रखा गया है, घर के संस्कारों के तले दबी हुई है, कल्चर के तले दबी हुई है, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उसको घर के बाहर जब निकलना पड़ता है तो कैसे सामना करती है इस जग का और ऐसे लोगों का जो लड़कियों को सिर्फ एक वस्तु मात्र समझते हैं. तो ऐसे सोसाइटी में ऐसी लड़कियां किस तरह से अपना उदर निर्वाह करती है अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार के मेंबर्स की सुरक्षा के लिए वो क्या क्या नहीं करती है एक औरत के नाम पर, इस बारे में एक कहानी है. बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट रहा है मेरे लिए भी समझने के लिए और परफॉर्म करने के लिए. जीत पतारू सर जो है उन्होंने बहुत ही प्रॉमिसिंग काम किया है, और एज अ टेक्नीशियन मैं सल्यूट करती हूँ उनको और उनके काम की दाद देती हूँ, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर भी ऐसी फिल्में बनाना एक बहुत ही चैलेंजिंग होता है. क्योंकि नॉर्मली कमर्शियल फिल्में जो बनती है वो कमर्शियल फिल्म्स में आप एक कमर्शियल एलिमेंट आता हो देखते हो तो बहुत इजीली उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इस तरह का सब्जेक्ट चूज करना और उस पर काम करना ये बहुत ही प्रॉमिसिंग है. और मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगी. इस फिल्म को पंजाबी में ऑलरेडी रिलीज़ किया गया है और इस फिल्म को अभी फ़िलहाल अवार्ड की श्रेणी में बेस्ट क्रिटिक फिल्म का अवार्ड मिला है. ये हमारे लिए बहुत सम्मानजनक बात है. इसको जब लंदन में सैफ फिल्म फेस्टिवल और वैंकूवर में पिफ फिल्म फेस्टिवल में जब दिखाया गया तो इस फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिला. और कहीं ना कहीं इतना ज़रूर कहूँगी एक लड़की होने के नाते कि अगर इस फिल्म के द्वारा मैं किसी एक दिल को छू गई कि लड़कियां क्या फील करती है, क्या गो थ्रू करती है, तो मुझे लगता है मेरी इस मूवी का करना सार्थक होगा. तो ज़रूर इस फिल्म को देखिएगा, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश यही की है कि कुछ अच्छा काम करूं, और मेरी अच्छे कामों में ये कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में इस फिल्म को मैं मानती हूँ. तो आप लोग बहुत लाइक करेंगे मेरा परफॉर्मेंस, सो प्लीज़ डू वॉच द फिल्म. बहुत ही जल्दी आएगी ये फिल्म, टेंटेटिवली प्लानिंग फॉर रिलीज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. मैम बात करें जिस तरह से, जैसे कि आप महिलाओं के लिए हमेशा काम करती हैं, तो इस फिल्म में महिलाओं का कौन सा रूप नज़र आने वाला है? आपको एक बहुत भोली भाली सी लड़की, नदान सी लड़की जब शिकार होती है तो उसका पदार्पण एक लेवल से दूसरे लेवल में किस तरह से जाता है, एक स्ट्रगल, बच्ची से माँ बनने वाली स्ट्रगल, और किस तरह से वो हर मुकाम पर एक निर्बल और असहाय लड़की के रूप में आपको दिखाई देती है, और फिर अपने परिवार का स्टैंड लेने के लिए किस तरह से एक माँ का रूप धारण करती है. तो अलग अलग वेरिएशन और शेड दिखेंगे आपको, और बहुत सारे इमोशंस दिखेंगे, मिक्स्ड इमोशंस दिखेंगे, और सिर्फ फिल्म के आधे घंटे बाद आप जगह से हिल नहीं पाएंगे. इतनी प्रॉमिसिंग कहानी है और उम्दा शूट किया गया है, तो चाहूँगी कि ज़रूर देखिएगा. दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? दर्शकों से मेरी एक ही एक मिनट में जी मैम, दर्शकों से क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर के? दर्शकों से सिर्फ यही कहूँगी कि हर घर में बेटी होती है, माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है. हर महिला का सम्मान करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और यही कहूँगी कि जिस तरह से मैंने इस मूवी में दिया बनकर स्टैंड लिया है उस महिलाओं के लिए जो इस परिस्थिति से गुजरती है, मैं चाहूँगी कि हर एक कोई अपने जीवन में, अपने आसपास में चौकन्ने रहे, और अगर कहीं ऐसी हरकत होती हुई नज़र आती है या दिखता है या फील करते हैं या गो थ्रू कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसके लिए ज़रूर अपना वॉइस उठाए और ऐसी लड़कियों की रक्षा करें, क्योंकि उनमें आप अपनी बहन बेटी देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. हाय, मैं हूँ पाखी हेगड़े और आप सब देख रहे हैं प्लैनेट भोजपुरी बेजोड़बा. देखिए, अगर इस मूवी की बात करें तो
मुझे इसमें सबसे चीज़ें एक अच्छी लगी कि जो नेचुरल चीज़ें जो होती है, बिल्कुल नेचुरल चीज़ें दिखाई गई है, वेरी वेरी फैंटास्टिक। और तहे दिल से मैं थैंक्स करूँगा पाखी जी को कि उन्होंने जो इसमें परफॉर्म किया है, मेरे तरफ से सलूट भी, और पूरे टीम को बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने, और वेरी वेरी थैंक्स। ऐसी फिल्म में देखिए जो नेचुरल चीज़ें होती है वो तो नेचुरल होती है, क्योंकि जो अगर मैं पंजाब की बात करूँ, बिहार की बात करूँ, वो सारी चीज़ें देखने के बाद जो मैंने इसमें बिगेस्ट देखा, मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब दिल को छू रही है। और इस पिक्चर को देखने के बाद पूरा यस बिल्कुल कह सकता हूँ। मैंने जब वो सीन देखा जो पाखी जी का जब स्टार्टिंग का जो एंट्री होता है, और अभी बात करें जैसे बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, मैं क्या कहूँ, जो भी चीज़ें है बड़ा ज़बरदस्त है। मेरे तो जहाँ तक अपने लेवल की मैं बात ना करते हुए, मैं पूरी थिएटर नहीं इस पिक्चर को देखते हुए मुझे लगता है कि बेस्ट अवार्ड लेकर के जाएंगे। बात मैं देना चाहूँगा आप सबके माध्यम से और आप लोगों को भी, और दिया के प्रोड्यूसर जीत मथारू जी, आज से एक हफ्ते पहले की बात थी कि हम गए थे इनके ऑफिस पे मिलने, उसी दिन ये टाइटल भी उस दिन फाइनल हुआ था। ये धिया टाइटल जो है ये शुद्ध भोजपुरी का, एक धिया मतलब बेटी होता है, ये मैंने ही इन्हें बताया कि ये आप टाइटल ये रखिए। ये 4 दिन पहले ये टाइटल फाइनल हुआ है और मैंने ये टाइटल इनको रखवाया ज़बरदस्ती, क्योंकि इसे एक दो गाने सुने थे मैं, और वाकई ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है। और मुझे लगता है कि ये फिल्म देख के औरतें जो हमारे भोजपुरी में हैं वो ज़रूर बाहर आएंगी और ये कहानी देखेंगी। बहुत ही अच्छी फिल्म बना है जीत माथुरी जी, और इसमें काम जो की है पाखी जी, गजब की काम की है, अजब, मतलब अजूबा काम हुआ है, नो डाउट भोजपुरी की उन्होंने बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बट ये फिल्म में वाकई उन्होंने बहुत अच्छी काम किया है। ये सच है कि जो करेक्टर उन्होंने प्ले किया है वो करेक्टर ही अपने आप में हिट है, और पाखी जी ने वाकई उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह निभाया है और 110% दिया है, तो वाकई काबिल तारीफ है पाखी जी की एक्टिंग। मैं यही बोलना चाहूँगा कि भोजपुरी में ऐसी फिल्म हमेशा आती रहनी चाहिए, पारिवारिक फिल्में है, और जो सच है, जो हमारे बाबा दादा पुरखा पुरानी के ज़माने में जो सत्यता होती थी, ये सच्चाई दिखाया गया है, तो शायद इससे लोगों की आँख खुलेगी, इससे सच्चाइयाँ देखने को मिलेगी और शायद सुधार करने को मौका मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ विष्णु शंकर बेलू, भोजपुरी फिल्मों में एक्टर डायरेक्टर काफ़ी काम करता रहा हूँ, और आज जब ये फिल्म मैंने देखी है धिया, तो वाकई मुझे ऐसा लगा कि हमारे ही देश में इतने सारे सब्जेक्ट हैं जिसको बड़े ही अलग अलग तरीके से लोगों के सामने लाया जा सकता है, और बड़ी ही रियलिस्टिक फिल्म है, और एक जो सच्चाई को दिखाया गया जिस तरीके से, वो काफ़ी, मतलब वाकई सराहनीय है, काफ़ी फिल्म मेकिंग बहुत ही अच्छी है। पाखी जी का काम इतना सराहनीय है कि वो लगता ही नहीं है कि वो अभिनय कर रही हैं, बहुत ही रियल एक्टिंग और काफ़ी आत्मविश्वास से भरा हुआ, वाकई बहुत ही अच्छी फिल्म है, और पूरे टीम को मेरे तरफ से बहुत सारे शुभकामना है, ढेर सारे धन्यवाद। ये फिल्म तो हर एक लोग को देखनी चाहिए, ये पूरे समाज को देखना चाहिए फिल्म, कि हमारे समाज में क्या क्या चीज़ फैला हुआ है और किस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिस पे लोगों का कभी ध्यान नहीं गया, तो ये फिल्म ध्यान आकर्षित करता है, हमारे समाज के कुरीतियों को उजागर करता है, और सबको देखनी चाहिए और इस पर कंट्रोलिंग होनी चाहिए। इस फिल्म के पूरे टीम को, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जितने आर्टिस्ट इसमें काम किए हैं उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं है, बहुत सारी बधाई है, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं विष्णु शंकर बेलू और आप देख रहे हैं प्लैनेट भोजपुरी बेजोड़बा। तो मुझे अभी तक के जो भी हुआ है ठीक ही लग रही है, मुझे तो ज़्यादा सबसे अच्छा लगा है पाखी का परफॉर्मेंस, मेरी दोस्त भी बहुत अच्छी हुआ, तो बस मैं वही बोलना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी एंड शी इज़ वेरी गुड, दैट्स इट, मूवी वुड बी गुड, मूवी शुड बी गुड। फिल्म तो बहुत ही एक वास्तविक फिल्म है, दूसरा भिखारी ठाकुर की एक बहुत प्रसिद्ध
नाटक हम लोग कह सकते हैं, बेटी बेचवा, जिसमें बिहार से जो बेटियां लोग खरीद के लोग बाहर ले जाते थे उनके ऊपर ये फिल्म आधारित है। और इस तरह की वास्तविक फिल्मों को आगे मूर्त रूप देने के लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, और डायरेक्टर जीत साहब को, पाखी जी को, सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने इस तरह के सब्जेक्ट पे काम करना उचित समझा। और मुझे लगता है कि ये फिल्म और इस तरह की कई एक फिल्म जो विषय पर, वास्तविक विषय पर जो फिल्म बन रही है, वो भोजपुरी का एक नई दिशा सेट करेगी, एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगी। तो इसके लिए दिया की पूरी टीम को मैं राज मिश्रा बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी और पूरी कहानी जो है बहुत नेचुरल लगा मुझे, और एक्टिंग बहुत अच्छा लगा, सिनेमेटोग्राफी भी बहुत ज़बरदस्त है, और मतलब ऐसी फिल्में मैंने बहुत कम देखी है, ऐसी ओरिजिनल कहानी, ऐसी स्टोरी, और पूरी पिक्चर में मतलब रियल लग रहा है, कहीं से फेक नहीं लग रहा है। एक्टिंग सब लोगों ने बहुत अच्छा किया है। हाँ, वो जो मतलब कम उम्र में जो हमारे पहले होते थे या अभी भी हो रहे होंगे, लड़कियों के साथ जुल्म अत्याचार जो कि नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें छुप जाती हैं।